अरे काका उठिए उठिए, ये लीजिए काका, आपको चार मुद्राएं चाहिए थी ना, लो और खुश रहो। अब तो ठीक है सेठ जी, खोटे सिक्के का क्या करूं? यही है मेरे पास। इतनी चालाकी काका, आप भले ही छल से ये भेड़ लेकर जा रहे हैं, किंतु ये आपके पेट में पचेंगे नहीं। बड़े स्वादिष्ट पेड़ है, तह प्रभा खाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी। साहूकार के दिए हुए खोटे सिक्कों का मैं क्या करूं? कान्हा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा का दुख मात्र इतना ही नहीं है, कोई और बात भी है जिससे वो इतने दुखी है। अच्छा, तो ये फूटी कौड़ी लेकर आए हैं आप? इससे तो पूरे घर का व्यय निकल ही जाएगा। खाली हाथ नहीं लौटने के लिए कहा था, तो ये खोटे सिक्के, ये फूटी कौड़ी आपने मेरे हाथ में धर दिया। क्या आप जानते नहीं कि आप ही के भांति इस फूटी कौड़ी का कोई उपयोग नहीं है? जब कमाई कर ही नहीं सकते थे तो लौट करके घर क्यों आए आप? चले जाते कहीं बाहर, रह लेते। बहू क्षमा कर दो, कल से ऐसा नहीं करूंगा। ना 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 बाबा, आपका वो कल कभी नहीं आएगा। यदि आपको अपना बुढ़ापा आराम से काटना है तो पहले जाइए और धन लेकर आइए। मैं आपको कहां से खिलाऊंगा, इतना धन नहीं है मेरे पास। बेटा तू तो समझ, मैं क्या करूं? बस 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 करिए, बहुत हो गया आपका और बहुत सुन लिया हमने। अब इस घर को आपकी कोई आवश्यकता नहीं, समझे आप? प्रभा, मेरी कसम, ऐसा फसाया उन दोनों को, ऐसा फसाया कि पूरे जीवन भर याद रखेंगे। पता है कृष्णा को कुछ समझ में नहीं आया और चिढ़ गया वो, और चिढ़ने के पश्चात मुझे कहता है कि ढानू काका, ये बेर मत खाइए, ये आपको पचेंगे नहीं। कान्हा, तू मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इस तरह ढानू काका को उस बूढ़े आदमी की बेर खाते मुझे क्रोध आ रहा है। दाऊ, आप बस देखते जाओ, आपको कुछ समय में क्रोध की वजह हंसी आएगी। प्रभा, ये मेरे पेट में क्या हो गया है, सरसराहट हो रही है। अरे कुछ हवा से भर रही है। अरे ये मेरे पेट को क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बढ़ रहा है अंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पेट फूले जा रहा है, फूले जा रहा है। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है, मेरा पेट तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो गया प्रभा, कुछ करो, कुछ तो अपना प्रभाव दिखाओ। क्या हो गया मेरे पेट, ये आपका पेट तो फूलता ही जा रहा है, लगता है आपने अधिक भेर खा लिया। सच्ची कहूँ, आप भले ही छल से ये भेर ले जा रहे हैं, किंतु ये आपके पेट में पचेंगे नहीं। अच्छा, आप समझा, मैं अब समझा, वो कृष्णा कह रहा था कि धनु का आपको ये भेर पचेंगे नहीं, अब अच्छे इन भेरों में कुछ मिला हुआ है। मैं अभी उस बुड्ढे को जाकर पकड़ता हूँ। कहाँ चल रही है? Ha 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 ha
हो, भास उड़ा रहे हो दोस्तों। जाओ यहाँ से और चुप करो, मुझे परेशान मत करो, चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, निकलो यहाँ से। धानु काका, मुझे तो लग रहा है कि आपके पेट में राक्षस घुस गया है। तो सुदामा, तुम धानु काका के पेट से राक्षस निकाल दो ना। अरे दोस्तों, कोई राक्षस वाक्षस नहीं घुसा है, वायु दोष हो गया शरीर में, समझ नहीं रहे हो, जाओ निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, धानु काका तो हम सबकी सहायता करते हैं, तो इस संकट में हम सब पीछे क्यों हटे, हम भी धानु काका की सहायता करेंगे। अब वायु हो या फिर राक्षस, हमें ये पता लगाना ही होगा। हम सबको शीघ्र ही धानु काका को इस संकट से मुक्ति दिलानी होगी। हाँ धानु काका, आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। चलो मित्र, धानु काका की वायु निकालते हैं। अरे अरे, क्या करने वाले हो दोस्तों? मित्रों, अब हमें इस लकड़ी की मदद से पता लगाना है कि धानु काका के पेट में वायु कहाँ है। चलो। अरे क्या करो? अरे अरे, मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे क्या कर रहे हो दोस्तों? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं काका, हम आपका उपचार अवश्य करेंगे। आपका पेट तो फूलता ही जा रहा है, लगता है ये थोड़ी देर में फट ही जाएगा। मेरा पेट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पेट नहीं फूल सकता। नहीं काका, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या करोगे तुम लोग? दाऊ, लगता है इनके पेट की वायु कम करने के लिए हमें इनके पेट पे किसी प्रकार का भार रखना होगा। अरे मेरे पेट पे भार रखोगे? तो जो कर रहा है तरीका आराम से करो। दाऊ, आप एक काम कीजिए, आपको पहिया लाकर धानु काका के पेट पे रख दीजिए। पहिया? पहिया मेरे पेट पे रखोगे? नहीं दोस्तों, ऐसा मत करना। सुदामा और सुबल, तुम भी। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, पहिया मत रखो, अरे दोस्तों मार दोगे मुझे। किंतु काका, यदि हमने भार नहीं रखा तो भी तो आप जाने ही वाले हैं ना। अच्छा, तो तनिक आराम से करना। मर गया रे। दाऊ, धानु काका की पेट की वायु निकालने के लिए हमें और बाहर लाना होगा। अरे कोई बचाओ मुझे, मर गया रे। मुझे लगता है अब इनकी पेट की वायु समाप्त हो गई होगी, अब हमें ये सारा भार निकालना होगा। ऐसे कोई उपचार करता है क्या? कितना भार रख दिया मेरे पेट पे, क्षमा कर दो मुझे, जाने दो। धानु काका, क्षमा तो आपको किसी और से मांगनी चाहिए। ओ मेरे वाले बाबा, मेरे वाले बाबा। अरे साहूकार जी, आज कैसे आना हुआ गरीब की कुटिया पर? मुझे वो बेर वाले बाबा अर्थात आपके पिताश्री से मिलना है। आपको पिताश्री से क्या काम आन पड़ा? अरे मुझे तुम्हारे पिताश्री को धन देना है। क्या धन?
किंतु पिताजी तो अभी कहीं बाहर गए हैं। क्यों है ना जी, हटिए ना, आइए आसन ग्रहण कीजिए, आइए। बैठ तो जाऊंगी, तू है कहाँ? आपका उदर इतना मोटा कैसे हो गया? अरे बस ऐसे ही हो गया। दानी काका के उदर में वायु भर गई है। किंतु कैसे? जब भी दानू काका को किसी को धन लौटाना होता है तो इनके उदर में वायु भर जाती है ना दानू काका? और यदि ये बूढ़े बाबा को धन नहीं लौटाएंगे तो इनके उदर से वायु का प्रकोप कम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। यदि ऐसा है तो आप अपने भाइयों का प्रकोप यहीं पर कम कर दीजिए। मेरा अर्थ है कि ये धन आप हमें दे दीजिए, हम दे देंगे ना पिताजी को। हो सकता है आप दोनों को लोभ आ जाए, और यदि आपने वो धन बाबा को नहीं दिया तो दानू काका के उधर से वायु का प्रकोप कम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों को धन नहीं दे सकता। यदि आपको दानू काका की कोई सहायता करनी है तो इन्हें शीघ्र अति शीघ्र ही बाबा के पास ले चलिए। अच्छा अच्छा, आइए साहूकार जी। चलिए सरलता से चलिए। वो रहे बाबा। बाबा, बाबा मेरे वाले बाबा, बाबा प्रणाम बाबा, बाबा ये लीजिए आपकी 400 मुद्रा है बाबा, लीजिए। नहीं 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 चाहिए मुद्रा। नहीं नहीं बाबा, आप अपना धन रख लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करूंगा बाबा। मेरा वायु दोष कम हो रहा है, मेरा पेट ठीक हो रहा है बाबा। बाबा बार है बाबा, बार है बाबा, मैं ठीक हो गया बाबा, मेरा पेट ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। चलिए दानू काका, अब आपकी उधर की वायु समाप्त हुई। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। लोग तो बहुत ही बुरे हैं। हाँ दाऊ, इन्हें अपने पिता से भी अधिक मूल्यवान धन लगता है। अब लगता है इन्हें उचित ज्ञान सिखाना ही पड़ेगा। किंतु कैसे काना? लगता है ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। लाओ लाओ लाओ, मुझे दे दीजिए।
लगता है साधारण फल नहीं है, अपितु दिव्य फल है। हाँ। जो भी हो किंतु ये फल हमें ईश्वर ने ही दिए हैं। लीजिए ग्रहण करिए, ये लो लल्ला खाओ। ये क्या खाना, ये कैसा फल है? और अब तुम क्या करने वाले हो? बस आप देखते जाओ दाऊ। उठिए जी, भोर हो गया है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ है? मैं प्रभाकर हूँ। क्या ये आप हैं? लेकिन तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी कमला हूँ। ये तुम वृद्ध कैसे हो गई? मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मैं वृद्ध कैसे हो सकती हूँ? सुनिए जी, तनिक इधर तो आइए। हम दोनों युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था तक कैसे पहुंच गए? कैसे? फल लगता है साधारण फल नहीं है, अपितु दिव्य फल है। ये सब उस चमत्कारी फल का ही परिणाम है जिस कारण हमारी और आपकी ये दशा हो गई। हमें वो फल खाना ही नहीं चाहिए। सुबह सुबह क्या शोर मचा के रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। ये किसकी आवाज है जी? सुनिए जी, ये तो अपना पुत्र रतन है। अरे रतन बेटा, ये स्वांग क्यों रचा रखा है और ये नकली मूछें कहां से ले आए? ये आवाज बदल कर बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? महात्मन, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। हवन से यदि हमारे गांव में सुख और शांति आती तो हम अवश्य ही हवन करेंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें हैं। मूर्ख साहूकार, तुम मुझ पर नहीं सब देवों का अपमान कर रहे हो। तुम्हें प्रणाम चाहिए ना? गोवर्धन पर्वत से पत्थरों की बारिश, लगता है कि ये महात्मा के कोप का प्रभाव है। महात्मा क्षमा कर दीजिए, साहूकार के कठोर वचनों का दंड मेरे ग्रामवासियों को मत दीजिए। अब मैं स्वयं इस पत्थरों की वर्षा नहीं रोक सकता हूँ।